आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को नमन। साथियों, यात्रा कैसी चल रही है? क्योंकि अध्यात्म की यात्रा जो है वो थोड़ा सा वो एक अलग बुद्धि का एक अलग समझने का एक विषय है, तो वो एक अलग शौक है, अलग इच्छा है, अलग अलग प्रकार का एक यात्रा है जिसमें आनंद की अनुभूति ये उसका एक लक्षण है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस अनुभव के बारे में जो मैंने अनुभव किया। साक्षी भाव, जो दृष्टा भाव जो होता है, उसको कैसे हम विकसित करें। गीता जी में आता है 13वें अध्याय का 23वां श्लोक आता है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि परमात्मा भगवान कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा के रूप में सभी जीवों के भीतर हूं। और उपद्रष्टा मीन्स वो केवल दृष्टा मात्र है, वो दृष्टा भाव है, वो कुछ बॉडी में, शरीर में, इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे आके कुछ करता नहीं है, सिर्फ दृष्टा है, तटस्थ है। तो यदि हम दृष्टा और दृष्टा भाव को और तटस्थ भाव को साध लें तो हम बड़े आराम से, बड़ी सरलता से हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, समाधि की ओर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान के जो अनुभव मैंने किए दृष्टा भाव में, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ आज। आज मात्र शरीर के स्तर से हम कैसे ध्यान को उपलब्ध हो, कैसे दृष्टा भाव को उपलब्ध हो, इस विषय में बात करूंगा। साथियों, हमारे शरीर में होने वाली समस्त घटनाएं, समस्त क्रियाएं, सबसे नजदीक सबसे ज्यादा अधिक क्रियाएं हाथ से हम करते हैं और पैरों से करते हैं, और फिर हमारा ये उदर वाला, गर्दन वाला भाग आता है, सर वाला, और फिर हमारा उदर वाला भाग आता है। तो सर को, गर्दन को हम देख नहीं सकते, हाथों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पैरों को भी, क्रियाओं को बैठ के प्रत्यक्ष देख सकते हैं, परंतु शरीर की होने वाली समस्त क्रियाएं, चाहे उन्हें देख पाए या नहीं देख पाए, उन समस्त क्रियाओं के प्रति होश का जागरण विकसित करना, होश विकसित करना, ये दृष्टा भाव, शरीर के प्रति दृष्टा भाव है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखें, क्योंकि हम केवल फिलोसफिकल बातें या जुबानी बातें न करके हम इसको प्रयोग में लेके आए, अध्यात्म को कैसे हम यात्रा को आगे बढ़ाएं, इसको हम अपने प्रयोग में लेके आए, उसको क्रिया में लेके आए, क्रिया योग की तरह उसको प्रयोग करें। तो आज क्रिया योग की तरह प्रयोग करेंगे इसको, कि शरीर की समस्त घटनाओं के प्रति होश का जागरण हमें करना है। और ये कैसे करेंगे, एक आपको इसके साथ उत्प्रेरक ऐड करना पड़ेगा, एक क्रिया और ऐड करनी पड़ेगी, है तो वो भी शरीर की लेकिन उसको भूल जाते हैं, वो है सांस के आने और जाने की क्रिया। सांस के आने और जाने की क्रिया पे हम ध्यान कर ले, उसके आने और जाने को थोड़ा सा गहन बना ले, हृदय तक अनुभव करें और थोड़ा कूल करें, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखें, ध्यान लगाएं, तो फिर समस्त शरीर के होने वाली क्रियाओं के प्रति हमारा दृष्टा भाव जागृत हो जाता है, दृष्टा हम हो जाते हैं उसके, हम परमात्मा की ओर कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के दृष्टा को विकसित करें, अपने शरीर की समस्त क्रियाओं को सांस के साथ, ध्यान के साथ हम करें, उसको अनुभव करें, पलकों को झपकने को, गर्दन को हिलने को, हाथ को उठने को, पैरों के चलने को, हिलने को, उधर के कंधे के, समस्त क्रियाएं जो है बाह्य क्रियाएं, भोजन ग्रहण कर रहे तो हाथ हमारा चल रहा है, देख रहे हैं तो दृष्टि हमारी किधर चल रही है, समस्त क्रियाओं के प्रति होश का जागरण करें। आज केवल शरीर की मैंने बात की, आगे इंद्रियों की बात करेंगे, मन की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कोश को भेदते हुए हम आनंद में कोश में प्रवेश करेंगे, इसी दृष्टा के माध्यम से। ओम शांति, शांति ओम।